this. Good morning. So the purpose of today's interaction is two-pronged. One is we have been recently awarded with NAC A+. Although we received the result in July, but the formal certificate we have received a few days back. और हमने समझा कि पहले हम ये निवेदन हम फैकल्टी मेंबर्स के साथ शेयर नहीं किया. लेकिन इससे पहले मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि हमने ये मीडिया को क्यों हमने आज ये तकलीफ दिया यहाँ आने की. जब भी हम मीडिया को कोई रिपोर्ट देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हमें अर्जेंट होती है, एडमिशन रिलेटेड, एग्जामिनेशन रिलेटेड, मतलब वो इमीडिएटली हमें ओबलाइज करते हैं. इसके लिए मैं आपका बहुत ही मशहूर हूँ. मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं. लेकिन आजकल जो एडमिशन का प्रोसेस है, इसमें अभी रिसेंटली हमने एक प्रेस नोट लिखा है, इसमें लिखा है कि ऑन स्पॉट एडमिशन, और उनने वो ऑन स्पॉट वर्ड काटा. अब तो ऑन स्पॉट हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये बच्चे को समझ आएगा. मैंने अपनी जगह सोचा कि मुझे मीडिया को समझाना ही नहीं आया, इट इज़ माई फॉल्ट, तो बच्चे को कैसे समझ आएगा. दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, जब मैं 12th पास मैंने किया, मैंने एडिशनल मैथ दिया था, मतलब मेडिकल विद मैथ, तो इसका इंटरव्यू होता था. ये डॉक्टर फारूक साहब थे चीफ मिनिस्टर, तो उसी वक्त की बात है. लेकिन हमारा रिजल्ट बोर्ड ने वहाँ नहीं भेजा, तो हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ. क्या हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ. इन द मेन टाइम हुकूमत गिर गई, इसके बाद कर्फ्यू लगाया, इसके बाद रेडियो से ये न्यूज़ आई कि जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ वो आए, लेकिन वो नहीं बताएगा कि ये मैथ रिलेट का किस्सा है. इसका मतलब वो बच्चे इसमें इंटरव्यू नहीं दे सके, दे कुड नॉट अपेयर इन द इंजीनियरिंग इंटरव्यू, एंड आई वाज वन एम एकदम आई लास्ट दैट सीट. इसके बाद बवाल हुआ, मैं एडवाइज़र को मिला, एडवाइज़र ने बोला आपका केस अच्छा है, आप इमीडिएटली कोर्ट को जाओ. सो मुझे वो इंसिडेंट याद है कि आई बिकेम ए विक्टिम बिकॉज ऑफ दिस मिसकम्युनिकेशन. हमने सोचा कि आज हमारे बच्चों के साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए. ये जो पहले मैं NAC के बारे में बोलूँगा, NAC A+ हमको मिला है, द SP कॉलेज इज सेकंड टू नन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. बट ये खुशी की बात है कि हमें ऐसा ग्रेड मिला. लेकिन जब हम देखते हैं, खुशी भी है लेकिन थोड़ा दुख भी है. दुख इस बात का है, अगर आप देखेंगे ना SP कॉलेज इज़ ओल्डर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी. मतलब हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को 100% प्लेसमेंट की ज़रूरत है, और इसके लिए हम ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं. और इसमें हम आपका भी साथ चाहते हैं कि जो हम मतलब जो आपको अच्छा लगे, यू कम विद द आइडियाज़ सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ. क्योंकि अल्टीमेटली वी आर इन द बिजनेस ऑफ द नॉलेज, वी आर इन द ट्रांजेक्शन ऑफ द नॉलेज, सो द स्टूडेंट शुड बी द बेनिफिशरीज. इसमें जो भी डेफिशिएंसी है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. और इसमें जो इस वक्त गवर्नमेंट है अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ श्री आलोक कुमार जी, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी लाई गई सिस्टम में. इस वक्त आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई मतलब देर इज़ एनी स्कोप फॉर रॉन्गफुल डूइंग. सो दैट वे वी आर हाईली थैंकफुल टू आवर प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री आलोक कुमार जी, उनने जो लिबरल फंडिंग की है, और स्पेशली NAC के दौरान जो इनका सपोर्ट हमें रहा कि हमें ये NAC A+ मिला. इसके बाद ये जो एडमिशन रिलेटेड बात है, एडमिशन मतलब हमारे कन्वीनर साहब यहाँ है, NAC के इंचार्ज भी यहाँ हैं, IT हेड भी यहाँ है. सो इसमें हम आपसे ये रिक्वेस्ट चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं कि एडमिशन इस साल बहुत ही फेयर हुई है, एक भी एडमिशन गलत तरीके से नहीं हुआ. इट टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इज़ दियर, ये ऑनलाइन होता है थ्रू हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो रहा है. लेकिन इसमें कुछ कॉलेजों में कम एडमिशन है, लेकिन हम अल्लाह का शुक्रिया करते हैं कि हमें जितने एनरोलमेंट लास्ट ईयर थे इतना हमें मिल गया. लेकिन हम चाहते हैं कि SP कॉलेज बीइंग ए प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, यहाँ की एक सीट भी वैकेंट नहीं रहनी चाहिए. सो इसके लिए स्पेशली हम चाहते हैं कि STEM, साइंस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इसमें तो मैथमेटिक्स भी आता है, सो इन सब्जेक्टों में हम इनरोलमेंट ज़्यादा चाहते हैं. तो हम चाहते हैं कि आपकी हेल्प से ये आवाम तक ये बात जाए कि अभी हमारे पास सीटें हैं, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर है ऑनलाइन प्रोसीजर. इससे पहले हमारे पास बच्चा आता था मार्च में, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती, वो नवंबर तक लाता था, किसी की एक ही सुपारी दो से मुझे एडमिशन कर लो.
अब वो किस्सा ही नहीं रहा, अब ये ऑनलाइन एडमिशन है। अब अगर इस वक्त जो CUET हमारे कन्वेनर साहब आपको बताएंगे, CUET नॉन CUET और इसके बाद ऑन स्पॉट, ऑन स्पॉट का जो इन दो प्रोसेस से नहीं आया वो ऑन स्पॉट में जो वहाँ पर होगा इसको मिलेगा। ऑन स्पॉट का माने नहीं कि वो कॉलेज आए, कॉलेज प्रिंसिपल उसको एडमिशन करेगा, इसको एक लिंक के जरिए अप्लाई करना है। अगर इसने लिंक के जरिए अप्लाई नहीं किया ही आर शी विल बी एक्सक्लूडेड। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि ऑन स्पॉट हम क्या कहते हैं कि ऑन स्पॉट के लिए इस वक्त लिंक खुला है, बच्चों को अप्लाई करना है, जो बच्चा अप्लाई करेगा वही इसमें, क्योंकि ये हायर एजुकेशन से आएगा। सो मुझे पूरा उम्मीद है आपके सपोर्ट से कि SP कॉलेज का एक तो पूरा इनरोलमेंट होगा और यहाँ का सीट ज़ाया होना ये सोसाइटी के साथ काफ़ी इनजस्टिस होगी, इन मेरिटोरियस बच्चों के साथ ज़बरदस्त इनजस्टिस होगी कि अगर यहाँ सीट वैकेंट रही। लेकिन एट टाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों को लग रहा है कि SP कॉलेज इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज, यहाँ मेरिट हाई होता है, होता भी है, तो लेकिन शायद हमें यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन आपको हम चाहते हैं कि आप इसमें हेल्प करें कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से सब कुछ हो रहा है, जो इस लिंक के जरिए एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे डेफिनेट देर इज ए चांस, क्योंकि इसमें जो मेरिटोरियस बच्चे हमारे आज तक आए हैं कि कितने है हमारे लिस्ट निकले बच्चों के, अभी तक दो CUET के राउंड हो गए कि कितने बच्चे एनरोलमेंट कितनी थी 402 में, इसमें से मोस्टली फेनेसिटर्स वो बच्चे हैं जो नीट के लिए तैयारी करते हैं, जो इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करते हैं। इसका मतलब अगर इनका एडमिशन हुआ वो फीस नहीं भरते हैं, वो एडमिशन का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। इसमें मेजॉरिटी ऐसे जो हायर मेरिट है, जब वो मेरिट थोड़ा नीचे आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे। तो आज का पर्पज़ इस प्रेसर का यही था कि हम अपने मीडिया के भाइयों को कॉन्फिडेंस में ले, वो इसमें हेल्प करें ताकि सोसाइटी को फायदा हो, बच्चों को फायदा हो। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। दो सवाल है आपसे, जो आपने नैक रेटिंग के बाद सर, जिन लोगों का, जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है, क्या ये लिंक स्पॉट लिंक उनके लिए भी है अगर वो चेंज करना? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप शाया कीजिए, ये बात सुन लीजिए आप इसको। A very good morning to all of you. Let me brief you about what type of courses we are offering here in the SP College. So here we are offering two types of courses. First, UG courses under National Education Policy. Second, we have PG courses as well. Under National Education Policy, we offer 11 major courses, including botany, biotechnology, biochemistry, chemistry, environmental science, geology, geography, information technology, mathematics, physics and zoology. Since SP College is a science oriented college, that's why we are focusing on science related courses. In addition to this, the admission process for these courses is going through common admission portal, that is being done by our administrative department on JK admissions. Two rounds have been completed, round one and round two. This time, candidates who have missed the chance in round one and round two are being given opportunity to apply in the spot round. That is on for CUET candidates from 5th to 7th. After that, it will be opened for non-CUET candidates from 9th to 11th. And thereafter, the selection process will this take month. Place. This month. Yes. This month. In PG courses, we offer PG courses in 7 subjects, in biochemistry, botany, chemistry, environmental science, information technology, physics and zoology. ये बात बताइए ना, अगर ये बच्चों ने एडमिशन किया है, दे वांट जैसे कि किसी बच्चे ने यहां अपग्रेड वो करना चाहते हैं, यस हैव द चांस टू रीअप्लाई अफ्रेश इन द स्पॉट राउंड, इन द स्पॉट राउंड करंटली गोइंग ऑन फ्रॉम 5 टू 7 सितंबर 2023। दे हैव टू लॉग इनटू देयर अकाउंट्स ऑन द jkadmissions.samar.ac.in एंड देयर दे कैन चेंज, दे कैन अपग्रेड, दे कैन चेंज दैट। यहाँ मैं ऐड करना चाहता हूँ, इस पॉइंट को ज़बरदस्त आप अपने मीडिया में लाइए, लेकिन अगर किसी भी बच्चे को, नॉट ओनली जो SP कॉलेज में एडमिशन चाहता है, कश्मीर UT में किसी बच्चे को एडमिशन रिलेटेड को दी क्वायरी है, इसके लिए हमने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया है अंडर द लीडरशिप ऑफ दिस प्रोफेसर एजाज साहब, इसमें बताएंगे कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, दे कैन अप्रोच, हमने वो फ़ोन नंबर ऑलरेडी दिया है अखबार के जरिए। अब बताइए इसके